मेरा नाम अरविंद रघुवंशी है, मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस के आया हूँ यहाँ पे। मैं कस्बा रावगढ़ में यहाँ पे आपको सैनी जी से मिलवाता हूँ, जो कि अंतर्वर्ती फसल के द्वारा एक साथ और कम समय में लाभ कमा रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। राम राम सर, मेरा नाम अरविंद रघुवंशी है, मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस से यहाँ गुना से आया हूँ। तो मैं आपसे आपकी ये खेती के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से कर रहे हैं। ये आप अंतर्वर्ती फसल यहाँ पे दिख रही है, तो मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा। तो आपने ये कब तैयारी की, इसकी क्यारी वगैरह कब बनाई? ये दीपावली के पहले क्यारी बना के नहीं, इसमें प्याज की पौध बोई। अच्छा, प्याज की पौध बोई जी। फिर पौध बोने के बाद में फिर ये टमाटर, खाली जगह पड़ी थी ये साइड में, इसमें टमाटर लगा दिया। हाँ, साथ में ही उसी जी। हाँ, तो प्याज आपके में कितने दिन में आ गई प्याज? प्याज 2 महीने में निकल गई पौध। तो कितना क्या लगभग उससे मुनाफा हुआ आपको? मुनाफा अच्छा भाव मिला इस साल। अच्छा, प्याज निकालने के बाद फिर? प्याज निकालने के बाद में फिर ये सफाई करके नहीं, ये पत्ता गोभी लगा दी इसी। कब किस टाइम पे लगाई थी पत्ता गोभी? उसी के प्याज निकाली उसके 15। जानना चाहता हूँ कि आपने इसको कब लगाया और आप किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं? ये जनवरी के माह में लगाया था अपन ने। हाँ, समय समय पे दवाई भी दी इसमें। हाँ, अब ये पकना शुरू हो गया है। हाँ, अभी तो भाव थोड़ा कम है। हाँ, दवाइयाँ कौन कौन सी डाली हैं? दवाइयाँ इसमें बाविस्टीन है, बायोप्रार है, और ये माओ की, इल्ली की, तबरा वगैरह। तो आपने ये टमाटर की दूरी कितने फिट रखी? ये 1 फिट पे है एक पौधा। और क्यारी? क्यारी की दूरी 5 फिट है। आप ये गोभी कब लगाई और ये कब तक तैयार हो जाएगी? गोभी ये बैसाख में आ जाएगी, उतरते बैसाख तक आ जाएगी, फूल दे देगी। तो आप हमें बताएं कि आपने जो जो फसलें ली हैं उनसे आपको क्या लाभ हुआ इन तीनों अंतर्वर्ती फसल में? हाँ, फायदा यही फायदा हुआ कि एक साथ तीनों इकट्ठी कर ली अपन ने, नहीं तो अलग अलग उसकी हकाई जुताई करते तो नहीं कर पाती तीनों फसल एक साथ। क्या तो लगभग कितना मुनाफा नहीं हुआ? फिर ये है कि मेहनत अपनी, मेहनत बच गई और जो खर्चा है वो बच, खर्चा बच गया, मेहनत बच गई, एक साथ काम हो गया सभी। प्याज ये है क्या सबसे मतलब कम अवधि की फसल है, कम अवधि, इसलिए सब पहले प्याज लगाई, साथ में टमाटर लगाया। साथ में टमाटर लगाया, पहले प्याज लगाया, प्याज के साथ में टमाटर लगा दिया, और इसके बाद में पत्ता गोभी लगा दी। ये प्याज पौध तैयार हो गई, उसको निकाल दी प्याज की, इसके बाद में टमाटर अब तैयार हो गया, ये पकने को है, और ये तैयार हो जाएगा, इसके बाद में ये पत्ता गोभी फूल तैयार हो जाएगी। इससे एक साथ में हमने तीनों फसलें तैयार की है, कम समय में लागत भी कम लगी, क्या दवाइयों का खर्चा भी कम आया, क्या उत्पादन अच्छा रहा, मुनाफा हो गया 3 गुना एक साथ में। आप हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन किसान भाइयों के पास कम ज़मीन है उसमें एक साथ 3-3 लाभ ले सकते हैं, उसमें समय की भी बचत है, हकाई जुताई की बचत है, सब चीज़ की बचत है, क्या ये लाभ है एक साथ कम समय में। क्या और मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भी तरह भी आप सभी भी एक साथ ये लाभ ले सकते हैं अंतर्वर्ती फसल। आज हमें सैनी जी ने अंतर्वर्ती फसल के बारे में जानकारी दी किसान भाइयों, तो उन्होंने हमें बताया कि हम कम जगह में एक साथ 3-3 फसल किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा पहले उन्होंने कम समय की फसल जो प्याज है वो ली, उसके साथ में टमाटर लगाए, जब प्याज कंप्लीट हो गई, टमाटर फूल पे आ गए, उस टाइम तो उन्होंने पत्ता गोभी का रोपण किया। तो जैसे टमाटर जब उसमें आएंगे पकवार, तो ये फूल पत्ता गोभी भी जो है उनकी फल देने लगेगी। तो किसान भाइयों आपने देखा कि किस तरीके से अंतर्वर्ती फसल का पद्धति अपनाकर ये लाभ कमा रहे हैं।
तो हम सैनी जी के बहुत आभारी हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने किसान भाइयों को ये सब जानकारी दी। धन्यवाद।